हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ बिहार में छोटा सा सिटी कोचस से आप लोगों को यूपी में बनारस पड़ता है, वहाँ पर आप लोगों को बाइक से ट्रैवल कराने वाला हूँ। बाइक से आपको लेकर चलने वाला हूँ कोचस सिटी से बनारस से। अच्छा व्यू दिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये हम लोग रोड पे चल रहे हैं और बगल में यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है। यहाँ पे रेलवे का भी सुविधा है, जस्ट बगल में ही दिया हुआ। रेलवे लाइन गया से होके बनारस तक जोड़ती है और बीच बीच में डिवाइडर है मुगल सराय होते, जितना तो डिटेल्स मालूम नहीं है कहाँ कहाँ से डिवाइडिंग है। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग चंदौली पहुँच चुके हैं, यूपी में जो पड़ता है छोटा सा शहर चंदौली, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं ये हुआ है पूरा एकदम बनारस से आप ट्रेन पकड़ के बनारस जा सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन रुकती है, कोई भी ट्रेन सारा ट्रेन रुकता है, आप इसलिए ट्रेन पकड़ के भी जा सकते हैं। बाइक में भी थोड़ा कम हो गया, फ्यूल लेने के लिए हम लोग चलते हैं फ्यूल स्टेशन के।
फ्रेंड्स हम लोग फ्यूल स्टेशन पहुंच चुके हैं और देखते हैं कितना तक तेल बनता है। हम लोग का भी वेटिंग लगा हुआ है, वेटिंग लाइन में अभी खड़े हैं हम लोग। पेट्रोल ले चुके हैं और ये भैया जो हैं बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। टेंगड़ा मोड़ से हम लोग मुड़ेंगे, मारुति नगर दुर्गा कुंड होते अपने रूम पहुंचेंगे। फाइनली हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक कितना लगा हुआ है, बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक लगा हुआ है। बाइक का चैन ढीला हो गया है इसलिए यहाँ पे अपना बाइक का चैन टाइट करा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ढीला हो गया है बाइक का चैन। तो फ्रेंड्स ट्रामा सेंटर चौराहे पर है, यहाँ से सीधे हम लोग दुर्गा कुंड होते अपने रूम पहुंचेंगे और रूम पहुंच के आपसे और कुछ बताने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम रूम पे आ गए, 104 किलोमीटर बाइक राइड करके हम कोचस से बनारस पर सतुआ मोहनिया चंदौली शायद राजा होते फाइनली हम बनारस आ गए हैं अपने रूम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं खाना बनाता हूँ, ये सब खाने के सिस्टम है और इधर मेरे कपड़े हैं, इधर सारा ये सब स्टडी करने के लिए है। और अगर चैनल पे नहीं होंगे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, मेरे को सपोर्ट बनाए रखिएगा।